हाथरस की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि यूपी के बुलंदशहर थाना ककोड़ इलाके में एक गांव में नाबालिग किशोरी के साथ अपहरण के बाद दरिंदे ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। हालांकि आरोपी दरिंदा अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पीड़ित का दावा है कि वह बीती रात अपने परिवार के लोगों के साथ घर के आंगन में सो रही थी, तभी घर की दीवार लांघकर रिजवान उर्फ पकौड़ी घर में आ घुसा और मुंह पर रुमाल सुंघाकर किशोरी को घर से उठा ले गया और कुछ दूर कंटेनर ट्रक के पास किशोरी के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। किशोरी शोर न मचाए इसलिए दरिंदे ने किशोरी के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। वहीं जैसे ही घर से किशोरी गायब होने की जानकारी परिजनों को हुई, वे गांव वालों के साथ किशोरी की खोजबीन में जुट गए। परिजनों का दावा है कि किशोरी केटर के पास से पड़ी थी और आरोपी उसके साथ रेप कर रहा था। वहीं एसएसपी का दावा है कि घटना के बाद मौके पर पुलिस अफसर गए और जांच भी की। पीड़िता की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। एनटीवी टाइम के लिए ब्यूरो चीफ कदीम खान की रिपोर्ट। आप ये बताइए, आज आप मेडिकल के लिए आए हैं, आपके गांव में क्या घटना घटी थी आपकी बेटी के साथ? जो घटना बेटी के साथ घटी वो तो बेटी आपको बता चुकी है, लेकिन मेरे पास बहुत प्रेशर आ रहा फैसले के लिए, पैसे के ऑफर आ रहे हैं, लेकिन मुझे पैसा नहीं, सिर्फ इंसाफ चाहिए। कोई धमकी वगैरह भी दी जा रही है आप? हाँ, मारने की धमकी भी दी जा रही है। कौन लोग हैं जो धमकी देने आपको? वही लोग हैं जो इस घिनौने काम में शामिल हैं। ये गाँव के ही लोग हैं आपके? हाँ जी, गाँव के ही लोग हैं। पुलिस ने क्या कार्रवाई की अब तक? पुलिस ने एफआईआर लिख लिया और यहाँ चेकअप के लिए भेज दिए। आरोपी गिरफ्तार नहीं किया गया? नहीं अभी। कोई क्या मांगे आपकी सरकार? मेरी तो यही मांगे मुझे इंसाफ मिले। उसने मारने की भी धमकी दी हमें। फिर पूरी बात बताओ शुरू से। मुझे बताओ शुरू से। तुम घर पे थी, फिर उसके बाद क्या हुआ बताओ? मैंने ना देखा, मतलब हमारे बरामदे में हम सभी सो रहे, वो दीवार दागता आया। हाँ, पहले उसने लाइट बंद करी ऊपर जो खम्बे पर जल दी। फिर क्या हुआ, क्या करा था? फिर उसने मुँह पर रुमाल लगाया, नशे में बेहोशी हालत में उठा कर लेगा मुझे, वो घर से बाहर निकाल के गेट खोल के फिर मतलब बाहर कैंटर खड़ा था, मतलब खेत में। उसके बाद में वो कैंटर की साइड में उसने मेरे साथ बुरा काम भी करा। तो जान से मारने की धमकी दी थी? हाँ, मुझे धमकी भी दी उसने। और जब मेरी चीख निकली ना, तो उसने मेरे मुंह में कपड़ा भी ठूसा, उसने धमकी भी दी मारने की। क्या धमकी दी? बोल रहा था कि तेजाब डाल के तेरे मुंह पे जला दूंगा और तूने ये बात किसी को बताई तो तुम जानते कौन था? ना, मैंने तो पहली बार देखा, लेकिन गाँव का ही लड़का है। लियाकत अली द्वारा जो नगला गोविंदपुर गांव के रहने वाले हैं, अपनी 14 वर्षीय बेटी के साथ रेप करने के संबंध में एक तहरीर थाने पर आज शाम को 4:26 पर दी गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनका पड़ोसी लड़का रिजवान है, जो लगभग 20 साल का है, उसके द्वारा रात में उनकी बेटी के साथ रेप किया गया। दिन भर ये लोग आपस में शायद पंचायत आदि करते रहे। शाम को 4:26 पर पहली सूचना थाने पर मिली। इस सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी सिकंदराबाद नम्रता श्रीवास्तव और इंस्पेक्टर ककोर मौके पर गए छानबीन की। जो पीड़िता है उसका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है, अभियोग दर्ज कर लिया गया है, अभियुक्त गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाएगी।